मेरे विद्यार्थियों नमस्कार, आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली के रंग हमेशा फैले रहे। आज के वीडियो को बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि अभी हाल ही में आपने फरवरी माह में तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा का पेपर दिया है और अभी आप सभी अपने परिवार के साथ में होली पर्व मना रहे हैं। होली पर्व के बाद में हर विद्यार्थी के मन में एक जिज्ञासा है और वो ये है कि अब मुझे किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। लाजमी ये बात स्वाभाविक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे मन में भी यही प्रश्न आता, क्योंकि बहुत से ऐसी आशंकाएं हैं। अगर कोई विद्यार्थी जीवन में है तो उसके मन में ये बात आएगी कि अभी उसे किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। एक स्थिति मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, वर्तमान में मैं वाइस प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। अभी हाल ही जो ऑन रिकॉर्ड स्कूल देखा था कि पद जो रिक्त थे 16,800 के आसपास और पिछले एक सप्ताह लगभग 11,000 स्कूल वैकेंसियों को वाइस प्रिंसिपल पद पर प्रमोट कर दिया गया है। अगर इन दोनों आंकड़ों को अगर हम जोड़ें तो लगभग ये आंकड़े जो है वो 28,000 के आसपास पहुँचता है। यानी अभी आप मान लो इस सत्र के अंदर नया सत्र जो प्रारंभ होगा और अभी जो चल रहा है उसमें स्थिति ये है कि लगभग 28,000 स्कूल वैकेंसी के पद रिक्त हैं। अब बहुत से बच्चे ये बात कह रहे हैं सर वैकेंसी कब आएगी, परीक्षा क्या 2023 में हो जाएगी, क्या वैकेंसी 2023 में आ जाएगी। देखो इन प्रश्नों का जवाब किसी के पास में नहीं हो सकता। आपको एक डेडलाइन के रूप में कोई नहीं बता सकता कि विज्ञप्ति अगले महीने आएगी या फिर जुलाई माह में है, परीक्षा दिसंबर 23 में होगी या वर्ष 2024 में मार्च में होगी। पर एक चीज मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जिसे स्कूल व्यक्तिता बनना है उस विद्यार्थी को कम से कम एक साल अच्छे से तैयारी करने के लिए समय की आवश्यकता रहती है। अगर हम अपनी सीट सुरक्षित करना चाहते हैं तो एक साल का समय हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या पुनः हमें तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में जुट जाना चाहिए, जैसा कि कुछ बच्चों का स्कोर थोड़ा कम रहा हो। मैं तब भी आपको एक बात बोलूं कि आपको लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि स्कूल व्याख्यान प्रथम प्रश्न पत्र विषय दोनों खंड को जब हम मिलाते हैं तो लगभग ये आंकड़ा जो पहुंचता है वो पहुंचता है 225%। ये वो 225% है जिनको हम मिलाएं और जोड़ें और देखें तो आप मान के चलें कि अगर आप तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो उसका लगभग 72-80% पाठ्यक्रम रिवाइज हो गया। तब करके मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी चाहिए। अब जिन विद्यार्थियों ने स्कूल व्याख्याता विभिन्न विषय से परीक्षाएं दी है, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आप यहीं रुके ना, आपने जिस भी विषय से स्कूल व्याख्याता की परीक्षा दी है आप उसके लिए कॉलेज व्याख्याता कार्य में जुट जाए। अगर आप स्वाध्याय से जुड़ना चाहें या स्वाध्याय की टेस्ट से जुड़ के कार्य करना चाहिए तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो सम्मिलित रहे परीक्षा दी है स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, उन विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा आप विषय को निरंतर पढ़ते रहें और एक उच्च टारगेट के लिए। जिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जो अपने चयन को लेकर थोड़े से संकित है, मन में उनकी थोड़ी आशंकाएं हैं, तो देखो हमें भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
हमें भी अपनी तैयारी को नियमित रखना चाहिए, क्योंकि आप मान के चले जब ये 27-28 हज़ार खाली सीटों का आंकड़ा सामने आता है तो आपसे गवर्नमेंट को 2 वैकेंसी निकालनी पड़े लगातार या 3 वैकेंसी लगातार निकालनी पड़े, तब ये पूरा पूरा जो इतने रिक्त पद है वो भरे जाएंगे। आप मान के चले इतिहास, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे विषय की, तो अगर मैं कहूँ कि ये 4-4 हज़ार से भी अधिक सीटें खाली पड़ी, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेगी। अब किस प्रकार से, कुछ प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरी इनमें जो है फर्स्ट ईयर है, अभी चल रहा है, तो क्या मुझे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए। वजह, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं तो कितने रास्ते या अवसर आपके लिए खुलते हैं वो बताना चाहूंगा। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ ही आप नेट JRF की मन लगा के तैयारी करें। अगर आपकी JRF क्लियर हो जाती है तो आप मान के चले अगले 4 या 5 साल के लिए उच्च अध्ययन रिसर्च के लिए प्रति महीना जो आपको 30 से लेकर 40 हज़ार तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ में आप KVS का, NVS का यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की भी व्याख्याता PGT जो है वो परीक्षा आप दे सकते हैं। इसके साथ में जो राजस्थान में स्कूल व्याख्याता परीक्षा उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी हाल ही में MA प्रथम वर्ष में, उन विद्यार्थियों को भी इस काम में जुट जाना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से रहेगी, वो मैं आपको बताऊँ। अगर आप स्वाध्याय से जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या रास्ते रहेंगे उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़े तो उसके लिए क्या विकल्प रहेंगे। अभी हमने दोस्त टेस्ट सीरीज आ रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन, अभी हाल ही में 10 मार्च से होली के बाद में हम स्कूल व्याख्याता जो टेस्ट सीरीज को रन करने जा रहे हैं। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो क्या क्या व्यवस्था इस स्वाध्याय है उसने की है और किस तरीके से ये प्लान रहेगा। हमने इस व्यवस्था दो तरीके से बताते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत से बच्चों के मन में ये आशंका ही आ रही है कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है। पहले चीज तो ये आती है सर इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो है कि सर सबसे अच्छा कौन सा तरीका, सबसे बेस्ट जो है, या दोनों में से हम जो तैयारी करेंगे वो अच्छी कौन सी रहेगी। देख अंतर को लेकर मैं ये कहूँ कि दोनों के बनने वाले पेपर एक समान है। वही पेपर ऑफलाइन क्लास में दिया जाता है, वही पेपर ऑनलाइन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाता है। पेपर में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम ऑफलाइन जो शेड्यूल हमने बनाया वही शेड्यूल ऑनलाइन के लिए जारी करेंगे, अंतर क्या रह सकता है। अंतर इतना रहेगा कि अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आप यहाँ क्लास में उपस्थित होंगे नियमित, आप यहाँ पे प्रतिदिन जो समय आपको टेस्ट के लिए दिया जाएगा उसमें आपने यहाँ उपस्थित होना है और मेरे द्वारा या टीम के द्वारा उस पेपर का हल आपको करवाया जाएगा। परंतु ऑनलाइन में ये होगा कि हम उसको सॉल्व करवाने के लिए आपको आंसर जो है वो की उपलब्ध करवा देंगे। ऑनलाइन में ऑफलाइन में इतना सा अंतर। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि बेस्ट कौन सा, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। देख इसका संक्षिप्त आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी होता और मैं किसी को ये कहता कि मुझे बहुत अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो क्या मुझे स्कूल में रेगुलर प्रवेश लेना चाहिए या घर बैठ कर तैयारी करनी चाहिए। इतना सा अंतर ऑफलाइन में ऑनलाइन में। हाँ, अगर आपकी सर्विस है, आप राजस्थान के दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, सूरतगढ़ से दूर रह रहे हैं, ऐसी आपकी परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में इतना है कि आपको स्वयं एक नियंत्रण से बंद कर रहना पड़ेगा, खुद को उस अनुशासन में रखना पड़ेगा कि हम हमारी ड्यूटी तो निभा देंगे, आपको प्रतिदिन पेपर उपलब्ध करवा देंगे, प्रतिदिन उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे, पर उस समय उस लेटर को 24 घंटे की अवधि में उस सामग्री को पढ़ना ये ड्यूटी आपकी खुद की रहेगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ऑनलाइन पे आपके बहुत ही बढ़िया माध्यम है।
किस प्रकार ये टेस्ट सीरीज रहेगी, क्या इसका स्वरूप रहेगा, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता दूं कि सबसे पहले तो हमने एक शेड्यूल प्लान जो वो तैयार किया कि विद्यार्थी के मन में एक ही जिज्ञासा रहती है पहली बात कि सर हम बुक्स कौन से पढ़ें, कितने समय में कार्य को पूरा करें, प्रतिदिन कितना पढ़ें या कितनी सामग्री हम पढ़ें, इन सब जिज्ञासाओं को शेड्यूल के माध्यम से हमने साबित करने का प्रयास किया। सुबह उठते ही हमारे मन में एक ही बात रहती है कि आज मैं कौन सी किताब से अध्ययन करूं, उस चीज का आपको शेड्यूल में समाधान मिलेगा। मतलब उसमें लिखा होगा शेड्यूल में कि 11 मार्च को आपको क्या पढ़ना है, 12 मार्च को आपको क्या पढ़ना है, 13 मार्च को आपको क्या पढ़ना है। एक तो हमारे उस समय की बचत होगी कि हमारे दिमाग में ये उलझन नहीं है कि कल मुझे क्या पढ़ना है, हमने बिल्कुल एक समान वेटेज के रूप में वो सामग्री आपको उपलब्ध करवा दी। जैसे अभी जो शेड्यूल हमें जो स्टार्ट किया उस शेड्यूल में ये है कि हमने सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर जो आपका है फर्स्ट पेपर उसको इस प्रकार से डिवाइड किया। सब्जेक्ट के लिए हमने 30 इकाई बनाई है, फर्स्ट पेपर के लिए 30 इकाई बनाई है, दोनों को जोड़े तो 60 इकाइयां बनती है, 60 यूनिट यानी 60 दिन। अब ये हम देख कितने ये जो टेस्ट होंगे 30 सब्जेक्ट के 30 फर्स्ट पेपर के कितने दिन, ये 75 दिन यानी कि 10 मार्च को हम ये कार्य रन करेंगे और लगभग 21 मई 2023 को ये कार्य पूरा कर लेंगे। ये कब तक रहेगा बार बार, ये फर्स्ट बैच जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट बैच, अब ये कितने बैच परीक्षा तक लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक बैच 2.5 माह में हमने पूरा किया, 21 के बाद 22 से हम दूसरा बैच रन कर देंगे, जैसे वो पूरा हुआ फिर तीसरा चौथा, ये कड़ी लगातार चलती रहती है। तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं एक रिवीजन में वो जुड़े एक रिवीजन में जुड़े तो अगले रिवीजन में उनके ये मन में आ जाते हैं कि हमारा एक रिवीजन तो हो गया, अब मैं सेल्फ कर लूंगा और मुझे कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं। यही सबसे बड़ी वो गलती करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्थान, मैं ये नहीं कहता कि आप स्वाध्याय से जुड़े, राजस्थान के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं आप अपनी सुविधा अनुसार आपको जो सही लगे उस संस्थान से आप जुड़े। हमारा उद्देश्य तो ये है विद्यार्थियों को बताना कि वो बेहतर तैयारी कैसे करें, किसी भी संस्थान से करें, मैं इसके लिए आपको कोई विशेष सुझाव नहीं दूंगा। तो एक रिविजन जैसे विजेंद्र दिन में बोला तो अगला रिविजन जैसे स्टार्ट हो, अगर आप ऑनलाइन जुड़े हो तो फिर अगले रिविजन में आप फिर पुनः जुड़े, चाहे ऑफलाइन है तो आप मेरे कहने का से लगातार आपको परीक्षा तक जुड़ते रहेंगे तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये विजेंद्र दिन की अवधि में हमने टोटल 60 यूनिट टेस्ट लिए, एक यूनिट टेस्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट पेपर में देंगे, सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे, उसी प्रकार के जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस दौरान हम 3 जो है आपके मेजर पेपर सब्जेक्ट में और 3 जो है वो मेजर पेपर आपके जीके वाले खंड में हम लेंगे। तो टोटल इस 75 दिन की अवधि में 60 यूनिट टेस्ट होंगे, 6 आपके मेजर पेपर होंगे, टोटल 66 पेपर आपके लिए जाएंगे 75 दिन की अवधि के अंदर। यूनिट टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे, आप चाहे तो इनको होमवर्क शीट पे भी कर सकते हैं और मेजर पेपर जो होंगे वो होमवर्क शीट में उसी प्रकार की परीक्षा व्यवस्था या सेटिंग व्यवस्था रखी जाएगी जैसे कि आर्मी से परीक्षा का आयोजन करवाती है और आपका सारा पेपर है वो होमवर्क शीट पे होगा, उसको बाद में सॉफ्टवेयर के द्वारा स्कैन करके उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ऑनलाइन कुछ विद्यार्थी जुड़ते हैं उन्हें क्या क्या चीजें उपलब्ध करवाएंगे, उन्हें 3 चीजें प्रमुख उपलब्ध करवाएंगे। एक तो फोन में एमसीक्यू जो है वो उपलब्ध करवाएंगे, फोन में आप फोन की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन खुलेगा और वन बाय वन आप क्वेश्चन करते रहेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद पूरा पूरा उसका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड नंबर चीज आपको क्या करवाएंगे, जो भी लगभग कोई भी आपको उपलब्ध नहीं करवाता, पेपर की पीडीएफ, पेपर की पीडीएफ वही एप्लीकेशन में रहेंगे, आप उस पीडीएफ को अपने फोन में स्टोर कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। थर्ड चीज क्या रहेगी, थर्ड चीज रहेगी पीडीएफ आंसर की, आंसर की पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी, यानी कि आपको फोन में एमसीक्यू फोन में कर सकते हैं, फिर भी किसी विद्यार्थी को लगे कि नहीं मुझे तो प्रिंट निकालना है तो पेपर का भी प्रिंट निकाले, आंसर
लड़की का प्रिंट निकालो, दोनों का प्रिंट निकाल के आप फाइलिंग करते रहे। ये किस दिन उपलब्ध होगा? जैसे शेड्यूल में 10 मार्च का हमने पेपर दिए, 10 मार्च साय 6 बजे जो है वो पेपर उपलब्ध हो जाएगा एमसीक्यू जो है फोन में एप्लीकेशन का। अगले दिन इस होने वाले पेपर की पीडीएफ जो है पेपर की उत्तर कुंजी की भी आपको वही स्टोर में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस कोर्स के अपने वैधता जो रखी है वो 1 साल की, यानी कि 365 दिन तक वैध है, यानी कि एक बार आपने फी पे कर दी तो इसमें मिलने वाली सामग्री आपको 30 सब्जेक्ट के पेपर, 30 फर्स्ट पेपर के पेपर, 6 मेजर पेपर, ये सारे के सारे जो है 66 पेपर है वो कंप्लीट एक फीस में आपको उपलब्ध रहेगी। ये जो सामग्री है वो कब तक स्टोर आपके फोन में रहेगी? जिस दिन आप कोर्स परचेज करते हैं उसके अगले 365 दिन तक आपके फोन में, फिर भी आप ये आलस्य ना करें कि प्रिंट निकालने वाला, प्रिंट आप तत्काल जो है निकाल के रख लें और इनको फाइलिंग कर लें। जब भी आपका मन करे तो आप पीडीएफ जो है उसके अनुसार ओमआर से प्रिंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के यार ये है कि सर ये रैंक कैसे पता चलेगा? देखो जब भी बड़े पेपर होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, हम उसकी ऑफलाइन की जो है रैंक लिस्ट डालेंगे, ऑफलाइन की रैंक लिस्ट डालेंगे। उसी रैंक लिस्ट से आपने पेपर अटेम्प्ट किए, आपने कितने नंबर प्राप्त किए, जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं उसके अनुसार आप अपनी रैंक मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। विशेष इसमें चीज ये कि रैंक पेपर को जैसे एमसीक्यू हो अनलिमिटेड टाइम आपको हल करने की हमने सुविधा प्रदान की है कि एक विद्यार्थी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी असंख्य बार प्रयास करें उतनी बार ये एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। समय की कोई वैधता नहीं है कि मान लो 10 तारीख का 10 मार्च का पेपर था और 10 मार्च को मुझे कोई काम हो गया और वो मैं नहीं कर पाया तो मैं उसे 12 मार्च को, 1 मई को या दिसंबर 2023 में भी वो पेपर मैं हल कर सकता हूँ। यानी मार्च से मार्च में कोई 365 दिन की वेद है, उस दौरान आप चाहे उतनी बार ये पेपर हल कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ मोटा मोटा जो है आपको ऑनलाइन की व्यवस्था कैसे रहेगी, ऑफलाइन की कैसे रहेगी, दोनों में क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आ गया। हमने जो बुक लिस्ट लगा रखी है, जो किताबें हमने लगा रखी है, पहली चीज ये बता दूं मैं किताबों की पुस्तक सूची हमने डाली है पर इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमने बताइए कोई किताबें आप पढ़े। हमने शेड्यूल नाल में टॉपिक लिखे हुए संदर्भ में किताब लिखकर कोई जरूरत नहीं है कि वो टॉपिक उसी किताब से आप पढ़े। उदाहरण के रूप में ये बताऊं जैसे राजस्थान से संबंधित 1857 की क्रांति का एक टॉपिक आ गया। अब 1857 की क्रांति का टॉपिक आप कोई भी किताब में से पढ़ लें उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगा, पेपर से उसी को प्रभाव पड़ेगा। ऐसे इंडियन हिस्ट्री को लेकर बहुत से बच्चों के अलग अलग मान सकते हैं, प्राचीन को लेकर कोई ये कि मैं कैसे श्रीवास्तव पढ़ना चाहता हूँ, जहां शिरमाली पढ़ना चाहता हूँ, गौतम साहब वाली किताब पढ़ना चाहता हूँ, सौरभ चौब में किताब पढ़ना चाहता हूँ, मुकुल सिंह प्रतापगढ़ वाली किताब पढ़ना चाहता हूँ, तो ऐसे तो आपको जो सही लगे आप तैयारी देखो आपको करनी है, आपको जो ठीक लगे वो किताब आप पढ़ सकते हैं। मान लो कि अगर महाजनपद टॉपिक है तो महाजनपद टॉपिक आप कहीं से पढ़ो उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैदिक काल आप कहीं से पढ़ो, ऐसे विषय इतिहास को लेके कि कोई ये कहे नहीं मुझे जैन एंड मात्र पढ़नी है तो बिल्कुल आप जैन एंड मात्र पढ़ो, कोई कहे कि नहीं मुझे केके सोनी पढ़नी है बिल्कुल आप केके सोनी पढ़ो, कोई कहे नहीं मैंने अरविंद भास्कर साहब वाली किताब पढ़नी है बिल्कुल आप अरविंद भास्कर साहब वाली किताब पढ़े। अगर हमने वहाँ पुनर्जागरण टॉपिक लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। इस बात के लिए विद्यार्थियों को हमने सब छोड़े मेरे माने थोड़ा सा। अब इस वीडियो को देखते हुए बहुत से लोग क्या करेंगे जैसे मारवाड़े होंगे उतावड़े होते स्किप करते भगाते हैं इसको, लाइफ में कुछ बनना है तो स्किप करने वाली आदत जो है ना हर मौके पर हो सकती है। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात आपको अंतिम वाले 10 सेकंड में मिले जो आपके जीवन को बदल दे। अगर आप इसको देख रहे हैं तो धैर्य इतना तो रखें कि अगले 20-30 मिनट अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आपके लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लंबा चौड़ा कोई फायदा नहीं, इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो आराम से उसको देखें सुने और अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में बतलाएं। हो सकता है कोई ऐसी बात जो है आपकी जीवन की दिशा को बदल दे। तो बात यह रही शेड्यूल प्लान को लेकर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने तैयार किया शेड्यूल प्लान किस प्रकार का पूरा पूरा शेड्यूल प्लान है। बाकी हमने ये टेलीग्राम चैनल है जो स्वाध्याय सूर्यदृढ़ का, अगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो आप इंग्लिश में लिखेंगे SW से स्वाध्याय सूर्यदृढ़, हिंदी में लिख सकते हैं आप स्वाध्याय सूर्यदृढ़, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके सुमेर स्पेस सिंह स्पेस सिखाओ तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
जिसमें स्वाध्याय से जुड़े हुए शेड्यूल प्लान बुक लिस्ट समय समय की सूचनाएं हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको स्वाध्याय सूत्रकट इंग्लिश में लिखना है SW से, और आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसमें एक किताब का लोगो लगा हुआ है, वो आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप कोर्स को परचेज करें। पेमेंट का मोड जो है वो आप कैसे भी UPI से कर सकते हैं, आप फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। मान लो मैं फोन पे नहीं चलाता तो मैं किसी के और की UPI ID से भी पेमेंट करवा सकता हूँ, ये भी आपकी स्वतंत्रता रहेगी। इस प्रकार का पूरा शेड्यूल प्लान हमने तैयार किया है। अगले पेज पे हमने बुक्स डाली है, कौन कौन सी किताबें हमने लगा रखी है, किताबों की फोटो तक हमने डाली है, नीचे ये बात विशेष रूप से लिखी हमने कि पुस्तक सूची आपकी सुविधा के लिए भी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इन किताबों से पढ़ें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि प्रथम पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर हमने अग्नि प्रकाशन को लगाया, फिर भी कोई विद्यार्थी ये कहे नहीं मैंने प्रभात की किताब पढ़नी, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इतिहास खंड वाले के पार्ट के लिए हमने स्वाध्याय वाली जो है स्कूल रेखा का इतिहास वाली किताब लगाई, लगाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि पिछली बार की जो स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा रही प्रथम प्रश्न पत्र में ABCD ग्रुप के जो भी पेपर रहे उनमें जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जैसे कि 15 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें वेटेज क्या था, 13-14 प्रश्न जो है वो इस किताब से है, तो हमें ये अपनी कसौटी पे बिल्कुल खरी उतरी हुई किताब, इसलिए इसी किताब को हमने रखा है। और विशेष इस किताब में जो संकलन हमने रखा है वो बोर्ड की जो किताबें हैं वहाँ से सारी सामग्री ली हुई। फिर भी किसी का मन करे कि नहीं मैंने तो कोई और किताब पढ़नी तो आप और कोई किताब पढ़ सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान राजव्यवस्था के लिए हमने परीक्षा वाणी वाली किताब रखी, आपका मन करे तो आप इसके लिए कोई अन्य किताब पढ़ सकते हैं। अगले पेज में हमने पूरा शेड्यूल पाठ्यक्रम डाला है कि विद्यार्थी को सुविधा रहे, सिलेबस इसका क्या इसका शेड्यूल हम डाल देंगे, पूरा प्रिंट निकाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में हमने उपलब्ध करवा दिया। अगले पन्ने में पूरी सारणी दी कि शेड्यूल 1, 2, 3 करके आगे 30-30 शेड्यूल की सारणी है, तो आपको आज इसमें तय हो गया जितने दिन की कार्य योजना की है 30 नंबर शेड्यूल है वो 25-5 को होने वाला है, यहाँ तारीख तक दे रखी है 25-5 को होगा, वार उस दिन गुरुवार है, तो ये सारी की सारी चीजें अभी से तय की गई है। आगे फिर जो है वो आपको पढ़ने वाली सामग्री कि 1 नंबर शेड्यूल में आपने क्या पढ़ना है, 2 नंबर शेड्यूल में आपने क्या पढ़ना है, 3 नंबर शेड्यूल में क्या पढ़ना है, वो भी पहले से तय की गई है कि आपको उसमें क्या सामग्री पढ़नी है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो पुनः एक बार इन्हीं चीजों को मैं रिवाइज कर दूं आपको पुनः से कि अभी हाल ही में अगर आप किसी प्रकार की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें। स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने से क्या फायदे रहेंगे कि आगामी समय चाहे आप NEET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तब स्टडी मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पाठ्य सामग्री जो है जिसमें समाहित है वो है स्कूल व्याख्याता, चाहे आपका विषय हिंदी हो सकता है, चाहे आपका विषय ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी आपका विषय रहे उससे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे हम किसी वीडियो को देखते हैं तो उसकी स्पीड 1.5 गुना करके उसको स्किप करके देख लेते हैं, लाइफ को ऐसे स्किप नहीं किया जा सकता। स्कूल व्याख्याता बनना है तो ये इंतजार छोड़ दो, विज्ञप्ति कब आएगी, पेपर कब होगा, सीटें कितनी आएगी, ये आपके हाथ में है, कितने दिन सोचे रहो, हजारों से पूछ लो आपके हाथ में क्या है, क्या आपके हाथ में, आपके हाथ में ये है कि आज किताब हो जिस सब्जेक्ट से आपने पीछे कर रखी है और पढ़ना स्टार्ट करो। अगर बनना है, अगर आप लाइफ में कामयाब होते हैं तो देखो आप किसी पे ऐसा नहीं करें, ना अपने गुरुओं पे, ना अपने माता पिता पे, और देखो त्याग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो इस पद पे पहुंचा है या सफल है कहने को कुछ भी कह दे मैंने तो 6 घंटे तैयारी करता था, 6 महीने तैयारी की और सफल हो गया, कह दिया भी जितना उसने आसानी से बात 30 सेकंड में खत्म किए ना, इतनी आसान है। उस आदमी के संघर्ष को देखो, और तरीका एक ही, अगर आज से परीक्षा तक लगातार हर दिन 8-10 घंटे काम करते हैं और वो भी तारीख तक साथ, हार्ड वर्क वो नहीं होना चाहिए कि कसी नहीं गड्ढा पता मिट्टी इधर डाली, वो नहीं,
स्मार्टनेस के साथ में आप देखें पूर्व की जो भी परीक्षाएं उनके प्रश्न पत्र देखें, उनके प्रश्नों का स्तर देखें। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो खुद क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करें, आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करें बनाए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कैसे प्रश्न बन रहे हैं, आरपीसी के लेवल के प्रश्न आप खुद बना पा रहे हैं कि आप नहीं बना पा रहे। ऐसा अगर आप करते तो लाजमी आप सही ब्रेक में चले और कोई ना कोई टेस्ट सीरीज है वो जरूर जोड़े उससे जुड़े। बहुत से बच्चे एक कह रहे हैं कि हमें क्लासें लेनी है, आपको लगे तो देखो कहीं भी अगर ऐसा है कि जहाँ पढ़ाया जा रहा है क्लासें ली जा रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं मान लूँ बता दूँ आपको स्कूल रहता का पूरा सिलेबस यहाँ पे कोई कह कि मैं मार कर ले लूँगा और मैं पढ़ा दूंगा मेरे तो समझ से परे और ना ऐसे पढ़ के लेक्चर में बन सकते। पढ़ाने में तो क्या है कि गुरुजन बैठेंगे 8-8 घंटे की क्लास लेंगे और 6-7 महीने तक पढ़ा देंगे, पर आप खुद को रिवाइज करें। कोई भी टेस्ट लीजिए उससे जुड़े, 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम आप खुद अपने आप को दें, आप खुद चीजों को दोहराएं। तभी तो मैं कहता हूँ अगर आप एक रिवीजन कंप्लीट होता है दूसरा रिवीजन तीसरा चौथा पांचवा छठा एग्जाम तक जितने रिवीजन है वो रिवीजन आप करें, अगर ये रिवीजन बार बार आप करेंगे एक किताब को 8-10 दफा आपने पढ़ दी तो सफल है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और पिछली बार अभी हाल ही में जो स्कूल गया था कि परीक्षा रही इतिहास की जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, पर हमने ऑथेंटिक जो सूची बनाई है टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाली थी पुनः हम डाल दूंगा आप देख सकते हैं, लगभग 250 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो हमारे पास में लगभग 235-40 बच्चों का 250 से ऊपर का आंकड़ा है। और हमने जो एक टारगेट दिया था बैच को टारगेट ग्रीन बैंक 100+ वो हम अचीव भी करेंगे। अब उसका श्रेय मैं कोई संस्था को नहीं दूंगा, मुझे नहीं दूंगा, टीम को नहीं दूंगा, उसका श्रेय पूर्णतः विद्यार्थियों को है क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास जताया, वो डट के उन्होंने काम किया, आंख मूंद के ये विश्वास जताया कि सुमेर सर और स्वाध्याय टीम हमें जो काम दे रही है उस काम को हमें करना है। और इसी का परिणाम ये कि वो बहुत अच्छे आंकड़ों को छू रहे हैं, बहुत अच्छा उनका स्कोर है। तो आप जहाँ भी हैं उसी से रहें और 10,000 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है स्वाध्याय का उसका ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सहूलियत रहे आप जुड़ें, अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करें। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे से ही जुड़े, आपको जहाँ ठीक लगे पर आप तैयारी करें, कहीं भी करें, आप चाहे खाली ना बैठे पर किसी संस्था से जुड़ना बहुत जरूरी है, उससे जुड़े बगैर काम नहीं हो सकता। अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, कोई फाउंडेशन नहीं है पर आप जो बच्चे पिछले वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन हुआ है लास्ट इस वैकेंसी में जिनका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है उनसे एक बार बात करें, उनसे पूछें कि उन्होंने किन किताबों को पढ़ा और ज़्यादा वेटेज दिया या उनकी तकनीकी क्या रही इस परीक्षा में, उन पर भी आप चर्चाएँ करें। आगे अगले एक सप्ताह बाद में फिर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और जिसमें पुनः किसी वैसी जुड़ी हुई बातों के साथ में अपनी चर्चा करेंगे। पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आपके माता पिता ने जो आपसे सपने सुझाए हैं वो पूरे हों। नौकरी ही जीवन में सब कुछ नहीं है, जीवन है तो सब कुछ है, ऊर्जावान रहें, आशावान रहें। धन्यवाद, नमस्कार।